तो गाइस आज आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए एक तो न्यू मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोलने के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग एक्सरसाइज का माल नहीं बात कर रहे, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप करने के लिए कौन सा टूल्स आप लोगों पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में मतलब कौन सा टूल्स आपको चाहिए, और इसमें देखिए आपका टूल्स के लिए कितना प्राइस आएगा, टोटल अमाउंट कितना होगा, वो भी आप लोग शेयर करेंगे। क्या क्या टूल्स मैंने लेकर आया, देखिए एक तो न्यू शॉप इसको ओपन हो रहा है रिपेयरिंग काम करने के लिए, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए टूल्स मैंने लेके आया, तो क्या क्या टूल्स मैंने लिया है आप लोग भी क्या इसका फर्स्ट टाइम ओपन करना चाहते हो तो आप लोगों को दिखेंगे आज कौन सा टूल्स मैंने लेके आया, क्या क्या टूल्स आप लोगों को लाएगा लेने के लिए फर्स्ट टाइम। तो आप लोग अप्रोस यही टूल्स होने के बाद ना मैक्सिमम तो रिपेयरिंग का सेटअप आप लोगों को हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को रिपेयरिंग सेटअप के लिए क्या क्या चाहिए मैं आज आप लोग वही दिखाएंगे, टोटल अमाउंट भी क्या चाहिए वही भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने सबसे पहले दिखा दूँ, देखिए मॉल का सबसे पहले इंपॉर्टेंट SMD हिट मारने के लिए, देखिए मेरे पास भी यहाँ पे भी SMD मैं क्विक कंपनी का लेकर आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने पे देखिए क्विक 857DW+, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों, ये वाला कंपनी जो देख रहे हैं ना ये कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का, इसका प्राइस शायद 5,500 का 5,400 ऐसे कुछ प्राइस लिया है, ये महंगा है। तो ये सबसे पहले ये चाहिए SMD आप लोग को चाहिए रिपेयरिंग काम करने के लिए। चलिए मैंने इसको साइड में रखते हैं, उसके बाद देखिए मैंने और क्या क्या लेकर, देखिए आयरन मैंने लेके आया, देखिए एक तो बहुत पतला वाला आयरन है, देखिए यहाँ पे देखिए एक कंपनी एक तो आयरन लिया, उसके साथ देखिए और एक तो आयरन जो यहाँ पे देखिए सोल्डरिंग कंपनी का, ये दोनों का दोनों आयरन लिया है, एक तो ये थोड़ा मोटा वाला होता है इसको बहुत हीट ज़्यादा यार, इसका देखिए ये भी महंगा है, ये भी शायद 450 का प्राइस है इसका भी, अरे 350 का प्राइस है इसका, आप लोग टोटल जोड़ लीजिए कितना प्राइस में आप लोग को बात करें प्राइस का ना, तो टोटल अमाउंट लास्ट में आप लोग को बिल भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का दोनों आयरन मैंने लिया, तो फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग सेटअप के लिए क्या क्या चाहिए आप लोग आज वही दिखा दो, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको भी साइड में रखते हैं, ये देखिए एक तो बैटरी सेटअप ले, मतलब बैटरी शॉर्ट करने के लिए बूस्ट करने के लिए, कभी क्या होता है ना बैटरी जब इसको आप लोग चार्ज एकदम नहीं रहता है ना, चार्जर लगाना चार्ज नहीं उठता है, बैटरी को बूस्ट करने के लिए मैंने ये वाला लेके आया दोस्तों, ये देखिए मैकेनिक कंपनी का बैटरी शॉर्टर, ये अभी न्यू आया अपडेट वर्सन में छोटा वाला, पहले बड़ा वाला आता था मेरे पास भी है, ये देखिए पहले देखिए बड़ा वाला भी, ये भी मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन ये पहले आता था बहुत इसको, लेकिन अभी अपडेट आया ये वाला, ये मैंने इसको लेके आया बैटरी शॉर्टर। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं और लेके आया, देखिए यहाँ पे और भी दिखा दो, एक तो काटा लेके आया, देखिए ये भी काटा चाहिए आप लोग, तो आप लोग मैंने देखा तो फर्स्ट टाइम ओपन करने के लिए, देखिए टूल्स तो बहुत सारे और भी छोटा छोटा बहुत ही होता है, फर्स्ट टाइम क्या क्या लाएगा, तो ये देखिए इसको भी लेके आया, देखिए एक तो काटर इसको भी साइड में रखते हैं, ये लेके एक तो थिनर का डब्बा भी लेके आया, ये देखिए फर्स्ट टाइम ओपनिंग के लिए बोल रहे, इसको भी दाँत दिखा दो, ये देखिए चिमटा लेके आया, चिमटा दो तीन तो लेके आया मैंने, चलिए और भी दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए दो तीन मॉडल को लेके आया, तो चलिए ये देखिए दोस्तों ये देखिए तीन मॉडल को मैंने इसको चिमटा लिया, देखिए पतला वाला थोड़ा मोटा वाला थोड़ा एक तो बैंड वाला काम करने के लिए, फर्स्ट टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे इतना ही काफ़ी है, दो भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा तीन लेके आया मैंने, देखिए तो फर्स्ट टाइम ओपन कर लिया, तीनों का तीनों देखिए थोड़ा अलग अलग, इसको देखिए आप लोग दिख रहे तीनों का तीनों, इसको भी अलग है इसको भी अलग है इसको भी अलग है, तीनों का तीनों मैंने लेके आया ये चिमटा, उसके बाद दिखा तो आप लोगों को देखिए एक तो देखिए ये देखिए ओपनर लेके आया, देखिए बहुत पतला ओपनर बहुत अच्छा काम होता है इसमें, देखिए बहुत सारे ओपन करने के लिए डिस्प्ले को ओपन करने के लिए, तो ये ओपनर एक तो लेके आया दोस्तों, ये देखिए इसमें देखिए इसमें देखिए बहुत सारे 4-5-6 इसको अंदर भी है इसको अंदर, ठीक है 6 तो होगा शायद इसके अंदर, चलिए इसको हो गया, अभी देखिए एक तो काटर लेके आया, देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए इसको काटर इसको ब्लेड है, ये थोड़ा सस्ता वाला है, बाद में अगर काम आएगा तो बस बहुत महंगा वाला है ये सब, उसको बाद में धीरे धीरे आप इसको सेटअप को ले सकते हैं, लेकिन ये पतला वाला है मतलब कम दम वाला है, इसको छोटा वाला अभी फर्स्ट टाइम ओपन कर लिए काम चल जाएगा, उसके बाद हो गया, अभी देखिए दोस्तों ये देखिए एक तो ये PCB होल्डर दोस्तों, ये इसको प्राइस लिया है शायद 550 का 550 का प्राइस है, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का PCB होल्डर, देखिए दोस्तों ये देखिए इसको मैं खोल के बाहर निकल के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए तो ये जो PCB होल्डर है ना ये देखिए इसको खोल के आपको दोनों का दोनों काम आ जाएगा, मतलब देखिए मैं भी काम करता हूँ यहाँ पे, देखिए मेरे पास भी है मेरे पास भी था, ये देखिए मैं अलग से इसको ना खोल के जो ऊपर में जो ये वाला है ना इसको मैंने बाहर निकल के ये देखिए इसके ऊपर काम करता हूँ बोर्ड रखकर, और PCB होल्डर जो इसको बोर्ड इसको यहाँ पे काम चल जाता है दोस्तों, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है दोस्तों, ये बहुत हार्डी भी है बहुत वेट भी है, देखिए सनशाइन कंपनी का है, प्राइस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है ये सनशाइन का माल है, तो ये खोल के भी आप लोग इसके ऊपर बोर्ड रखकर काम भी कर सकते हैं, ये दोनों का दोनों अलग कर लीजिए, नहीं तो इसके ऊपर भी काम सकते हैं, कोई IC वगैरह अगर काम आ जाएगा तो IC के यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं, IC का भी इसको भी देखिए यहाँ पे देखिए, तो चलिए कोई बात नहीं इसको भी एक तो PCB होल्डर और अभी लेके आया देखिए दोस्तों, अच्छा ये देखिए एक तो देखिए या देखिए वैसे ग्लू क्लीनर जो एक तो देखिए जो मशीन है ना तो इसको मैंने लेके आया, देखिए ये वाला कंपनी का देखिए दोस्तों, एक कम दाम भी अभी लेके आया, इसको भी काम चल जाएगा, अभी देखिए उसी का काम ज़्यादा तो नहीं होता है मैक्सिमम, तो अभी ग्लास उसी के साथ ही आ जाता है, लेकिन क्लियर करने के लिए देखिए थोड़ा कभी कभी लगता है तो इसलिए और भी काम आ जाता है टिना फिना करने के लिए, तो इसको भी लेके आया देखिए डील, चलिए और भी देखिए ये देखिए मैट मैंने लेके आया, देखिए इसके ऊपर बोट रख कर काम करने के लिए शायद थोड़ा महंगा है,
350-400 का शायद इसको प्राइस है दोस्तों। तो इसको देखिए अभी लेके आया, जी टू मार्क कंपनी का है दोस्तों, इसको भी लेके आया। और मैट देखिए, मैट में दो टाइप के लेके आया दोस्तों, ये देखिए इसको भी लेके आया, ये भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। मेरे पास यहाँ भी मैं काम करता हूँ माइक्रोस्कोप पर। तो फर्स्ट टाइम ओपन कर लिया दोस्तों, देखिए और क्या क्या लेके आया मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए और भी ज़्यादा। ये देखिए 6 पोर्ट वाला एक, देखिए QC चार्जर दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको चलिए मैंने बाहर निकल के दिखाता हूँ। ये देखिए 6 पोर्ट वाला, देखिए इसको सनशाइन का जो 6 पोर्ट वाला ये चार्जर मैंने लेके ना बोर्ड, इसको चेक करने के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि देखिए कभी आपका मोबाइल चार्ज ले रहा है कि नहीं, एम्पेयर कितना ले रहा है, कोई डेड मोबाइल आ जाएगा तो इसको बहुत अच्छा होता है चेक करने के लिए, जो आपका डेड मोबाइल इसको चार्ज ले रहा है कि नहीं, एम्पेयर ले रहा है कि नहीं, इसको बहुत ही आसान होता है काम। तो 6 वोल्ट वाला एक तो चार्जर लेकर, ये शायद अभी दाम कम हो गया, पहले दाम बहुत ज़्यादा, अभी देखिए इसको शायद 1000-1100 रुपये में इसका अंदर हार है इसको, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको पैकिंग कर लेंगे, और जो लेके आया देखिए इसको अंदर, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर का सेटअप कंप्लीट, इसको T4 T6 सब कुछ इसका अंदर ही है, ये पूरा सेटअप लेके आया, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है दोस्तों। और इसको यहाँ पे देखिए, अच्छा ये देखिए पेस्ट, देखिए मैकेनिक कंपनी का पेस्ट, बहुत बढ़िया काम करते हैं दोस्तों वाला पेस्ट। ये देखिए इसका थोड़ा ये ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, इसको देखिए 500-550 का प्राइस है। ये देखिए पेस्ट मैंने लेके आया दोस्तों कंप्लीट, इसका अंदर देखिए पेस्ट को कलर दिखाता हूँ, ये देखिए कलर देखिए, जो आप लोग इसको देखिए जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे ना मैकेनिक कंपनी के में, बड़ा बड़ा डब्बा में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए मैंने इसको रखते हैं, पेस्ट हो गया, ये देखिए ये हो गया आपका आयरन होल्डर, आयरन इसको देखिए, आपका आयरन इसको यहाँ पे रखने के लिए आयरन का होल्डर चाहिए, जो आप ताताल जो यूज़ करते आयरन इसको होल्डर एक तो चाहिए, तो ये भी होल्डर एक तो लेके आया। ये हो गया मीटर, देखिए दोस्तों ये देखिए एनालॉग मीटर दोस्तों, एनालॉग मीटर बहुत अच्छा काम होता है, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो डिजिटल मीटर भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल डिजिटल मीटर भी मिल रहे हैं, तो डिजिटल मीटर ले सकते हैं बाद में, लेकिन पहले ये मैंने एनालॉग मीटर, ये आप कहीं जब से आप कौन से मीटर में काम करते हो, एनालॉग का डिजिटल आपका सही है वो आपका उसके ऊपर डिपेंड करके आप ये ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मैंने और भी यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो आईफोन टूल्स ओपन करने के लिए एक तो सेटअप दोस्तों आईफोन का, ये पूरा कंप्लीट आईफोन के लिए ना ओपन करने के लिए अलग से टूल्स होता है, तो इसको कंप्लीट मैंने सेटअप लेके आया आईफोन का। चलिए हो गया अभी एक तो, और क्या क्या लिया है छोटा छोटा चीज़ देखा तो, अच्छा ये तो 9 वोल्ट वाला बैटरी है ये मल्टीमीटर के लिए। ये देखिए T5 का एक तो स्क्रू ड्राइवर है, T5 नोकिया का जो मोबाइल आता है ना खोलने के लिए, T5 T6 नहीं T5, ठीक है। ये हो गया आपका देखिए शीशा हो गया शोल्डरिंग, इसको देखिए जो वायर कहता है, इसको देखिए जो रंग जो इसको, ये मैकेनिक कंपनी का हो गया, और आपका ये वाला हो गया रोजन है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए ये रोजन हो गया इसको ऊपर, और भी देखिए रोजन तो बहुत सारे लेके आया इस, ये हो गया डी शोल्डरिंग वायर दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ के साथ देखिए दोस्तों, अभी देखिए आप लोग इसको काम करने का टाइम पहले मैकेनिक जो भी कंपनी का हो, आपके माइक्रोस्कोप जल्द उतना जल्दी नहीं चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए, इसलिए देखिए आप लोग पहले फर्स्ट स्टेप जब मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन करें ना, तो कोई रिपेयरिंग दुकान सेटअप के लिए इतना चीज़ होने के बाद काफ़ी है। और उसके साथ देखिए जो थिनर जो मैं यूज़ करता हूँ डिगो थिनर, ये देखिए थिनर भी चाहिए ना मोबाइल सर्विस करने के लिए, तो इसके ऊपर देखिए दोस्तों अभी सबसे पहले मैंने इतना सारे सेटअप यहाँ पे जो आप लोग हमारे यहाँ पे जो सेटअप दिखा रहे हैं तो इतना काफ़ी है, आयरन वगैरह जो इसको इतना, ये जो मैंने देखिए ये जो आयरन लिया था ये बाद में ले सकते, बहुत महंगा है 12,000-13,000 के इसको एक तो आयरन का ही बोला मानो, उसको ज़्यादा प्राइस भी है, तो ये सब अभी बाद में ले सकते, पहले शुरू करने के लिए ये काफ़ी है। तो इसको प्राइस कितना लिया, ये टोटल जो मैंने इसको जो सेटअप इसको जो लेके आया ना इसको प्राइस कितना लिया, ये देखिए टोटल अप्रॉक्स मैं आप लोगों को बिल दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए G2 मार्क और अलग से मैंने दूसरा दुकान पे लिया था, ये दोनों का दोनों बिल है दोस्तों यहाँ पे, टोटल कुल मिला के मेरा जो बिल आया यहाँ पे देखिए 13,000 का करीब इसको बिल है, देखिए 12,900-800 कुछ ऐसे प्राइस है, तो टोटल 13,000 का करीब मेरा इसको बिल है दोस्तों। देखिए तो मैं जो सेटअप लिया ना थोड़ा डिस्काउंट भी मिला है मार्केट में G2 मार्क, उसके साथ मेरा पुराना भी रिश्ता है, तो आप लोग वहाँ पे देखिए एक एक पार्ट्स कितना क्या प्राइस है ना, आप लोग मेरा कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ज़्यादा भी ले सकते हैं, कितना टूल्स का क्या प्राइस लिया अप्रोक्स, देखिए ज़्यादा प्राइस होता है आपका एसुनी का, उसके बाद आयरन का तो छोटा बड़ा आयरन थोड़ा इधर उधर 10-20 रुपये उसको ज़्यादा भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्राइस जो देखिए एसुनी का जो लिया है इसको देखिए 5,400, कभी 5,700-5,600 ऐसे कुछ प्राइस भी हो सकता है, तो इसको भेज दिया 5,400 ओरिजिनल वाला, कॉपी जो मिलता है ना कॉपी वाला दाम नहीं है उसको, देखिए 2,000-2,500 में मिल जाता है कॉपी वाला। तो चलिए इसको मैंने कम्प्लीट ये सेटअप आप लोगों को दिखाया, तो इसके बाद और छोटा छोटा कुछ एक दो और भी चाहता है तो बाद में एक एक करके आप लोगों को सेटअप करना चाहिए। मान लीजिए आपका ये वाला इसको देखिए इधर देखो, ये जो आपका DC पावर सप्लाई ये भी चाहिए, तो इसको भी देखिए आप लोग पहले शुरू करने के लिए इतने काफ़ी है, मान लीजिए अप्रोक्स 15-16,000 का 20,000 के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा,
कंप्लीट ये सब सेटअप के लिए, मतलब जो आपका जो डीसी पावर सप्लाई हो गया, आपको और भी थोड़ा सा चीज़, ये आयरन बहुत महंगा है, इसको देखिए 12,000 का, ये छोड़िए, तो थोड़ा सा चीज़ और भी जो चाहिए, टूल्स अपडेट और भी धीरे धीरे होना चाहिए, पहले आप लोग इसको इतना काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखकर आप लोग को जानकारी मिला है, कुछ डाउट है तो बिना टेंशन में कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल पे देखिए दोस्तों, एवरीडे मोबाइल रिपेयरिंग का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल कंटेंट में देने के लिए कोशिश करता हूँ, रिपेयरिंग के बारे में, मोबाइल के बारे में। तो उसके साथ साथ जितना कब मतलब हो सके आप लोगों को जानकारी में देने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों को थोड़ा और जानकारी अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, बहुत सारी मोबाइल मार्केट में टूल्स बहुत सारे अपडेट आ गया। देखिए मैं भी आज एक टूल्स लेकर आया था, देखिए आईसी ग्लू क्लीनर के लिए, जो रियल लाइफ के कंपनी का है, देखिए इसको बाद देखिए आईसी क्लीनर के लिए भी वीडियो आप लोगों के साथ आ जाएगा इसको, देखिए दोस्तों। तो ऐसे अपडेट टूल्स मार्केट में तो हमेशा अपडेट आता है, देखिए देखिए इसको ऊपर आईसी रखकर क्लियर करने के लिए, आईसी को जो ग्लू होता है ना, जो ब्लैक पेस्ट होता है, ग्लू क्लियर करने के लिए सब टूल्स मार्केट में बहुत सारे आए। तो अपडेट टूल्स हमेशा मार्केट में आते हैं, आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहे, चैनल पर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो वीडियो पहली बार देखने के बाद डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए दोस्तों मेरे पास, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।